हाय, मैं हूँ इंद्रेश कुमार और आज मैं एक फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के बारे में बताने क्या जा रहा हूँ, मैं रिवाइज़ करने जा रहा हूँ। ये मेरा अपना खुद का रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि मैं मुझे बीच बीच में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं एडियो के तौर पर भी सुन सकूँ, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ। और जिन बहन को इससे मतलब बेनिफिट हो तो अच्छी बात है। और ये मैंने फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के बारे में मैंने सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक से मैंने शायद सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक से ही मैंने इसको बनाया था, तो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेड वॉरेन रिक्स का जन्म 3 जुलाई 1917 को चीन की कुलिंग नगर में हुआ था। कुलिंग नगर में हुआ था, हालांकि इसको नोट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके मेन मेन विचारों को ही हम पढ़ेंगे। पर मैंने नोट जैसे बनाया था पूरा बनाया था ताकि मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में भी पता रहे। रिक्स के माता पिता चीन की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन अच्छी तरह जानते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी रिक्स के परिवार को चीन में स्थानीय नागरिकों के द्वारा अंग्रेज मानने के कारण बहुत सारी सामाजिक समस्याएं एवं विषमताओं का सामना करना पड़ा। सन 1959 में वापस अमेरिका लौटते समय रिक्स को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। अच्छा, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे और इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई सारे सिद्धांत इन्होंने गढ़े हैं तो इस वजह से इनको भारत में भी व्याख्यान के दौरान लोक प्रशासन के क्षेत्र में कुछ अपने व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इस संस्थान ने रिग्स द्वारा किए गए व्याख्यानों को सन 1961 में द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया था। इस प्रकार रिक्स के प्रिज्मेटिक मॉडल को वर्णित करने वाली प्रथम पुस्तक थी। सन 1959 में इंडियाना विश्वविद्यालय लौटने पर रिक्स ने नवगठित अमेरिकी लोक प्रशासन संस्थान अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अस्पा की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह संस्थान तुलनात्मक लोक प्रशासन पर शोध एवं शिक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करती थी। सन 1960 में अस्पा अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन कंपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप CAG, अच्छा CAG एक और चीज़ होती है, वो कंस्टिट्यूशन सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ है, पर यहाँ पर CAG अलग है। कैग कंपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का गठन हुआ। रिक्स ने CAG यानी कंपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की अध्यक्षता स्वीकार की। रिक्स ने गियोवानी सारतोरी के साथ मिलकर कमेटी फॉर कंसेप्चुअल एंड टर्मिनोलॉजी सॉरी कमेटी फॉर कंसेप्चुअल एंड टर्मिनोलॉजिकल एनालिसिस कोक्टा का गठन किया। एक्चुअल में कोक्टा क्या था कि कोक्टा का जो फुल फॉर्म है इन्होंने कमेटी फॉर कंसेप्चुअल एंड टर्मिनोलॉजिकल एनालिसिस कोक्टा, इन्होंने अपनी एक खुद की कह सकते हैं कि वोकेबुलरी जैसे डिक्शनरी होती है उस तरह से इन्होंने कोक्टा का गठन किया। उस कोक्टा के द्वारा ही इन्होंने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी दी जिसके द्वारा इन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे शब्दों को गढ़ा। अभी आगे हम पढ़ेंगे। इस कोक्टा ने इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन IPSA, यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान परिषद ISSC के साथ मिलकर भी कार्य किया। ज्योतिष विज्ञान में विश्वास रखने वाले रिक्स ने अपने वेबसाइट का नाम द स्नेक्स एंड द
प्रिज्म रखा था, द स्नेक्स एंड द प्रिज्म। अब मुझे आशा है कि इनका निधन 2000, हाँ, रिक्स का देहांत मनोलुआ होलोलुलु में 9 फरवरी 2008 को हुआ था। इनकी अब वेबसाइट बंद हो चुकी है। मेरे टीचर जिनको मैं अपना यूट्यूब टीचर मानता हूँ, उन्होंने बताया था और उन्हीं के बताए के अनुसार मैंने सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक खरीदी और उससे कुछ ये नोट बनाए थे। तो ये एक छोटा सा परिचय था उनका कि उन्होंने कहाँ पे पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे, कहाँ से कहाँ गए और उन्होंने क्या क्या छोटी मोटी उपलब्धियाँ हासिल की और वो कब मर गए। तो उन्होंने द स्नैक्स एंड द प्रिज्म वेबसाइट के बारे में मुझे पहले ही बताया था। ये तो आज मैं इसमें पढ़ रहा हूँ ध्यान से। हालांकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने उनकी एक वेबसाइट थी और उनकी उस वेबसाइट के बारे में उन्होंने उनसे बात भी की थी। ये भी बात उन्होंने सर ने बताया था। मैं उन सर का नाम नहीं लूँगा, बाद में लूँगा कभी। अब रिक्स के योगदानों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिक्स ने क्या-क्या योगदान दिया? तुलनात्मक अध्ययन का महत्व, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह जिसको हमने कहा कि कंपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के संस्थापक 1963 होने तथा जीवन भर विभिन्न देशों, समाजों तथा समस्याओं पर गहन शोध कार्य करते हुए रिक्स का निरंतर यह प्रयास रहा है कि तार्किक पद्धतियों से ऐसे प्रतिमानों का विकास किया जाए जो मानवीय समाज को समझने में सार्थक योगदान दे सके। उन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को 3 खंडों में बांटा है। कभी भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान अगर हमें कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ता है, तो कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहला नाम अगर किन्हीं विद्वान का आता है तो सबसे पहले रिक्स का नाम आता है। इन्होंने ही बताया कि कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम किसी भी देश के, किसी भी समाज के, किसी भी प्रशासन के अध्ययन का एक अच्छे तरीके से अध्ययन और विकास के नए तरीकों को खोज सकते हैं। आदर्शात्मक से अनुभव मूलक उन्मुखता, इन्होंने जो तुलनात्मक लोक प्रशासन का पहला शब्द परिभाषित किया वो किया आदर्शात्मक से अनुभव मूलक उन्मुखता, नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव टू एम्पेरिकल। रिक्स का मानना है कि केवल सैद्धांतिक नियमों की व्याख्या करने या केवल आदर्शों की चर्चा करने के स्थान पर उन परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाए जो वास्तव में हमारे सामने हैं तथा प्रशासन को प्रभावित करती हैं। वस्तुतः यह मान्यता क्या होनी चाहिए के स्थान पर क्या है पर अधिक बल देती है। क्या होनी चाहिए के स्थान पर क्या है पर अधिक बल देती है। वास्तव में विज्ञान भी इसी चीज़ पे बात ज़्यादा करता है। क्या होनी चाहिए पे कोई बात नहीं करता, क्या है उसी पे अध्ययन किया जाता है। तो वही चीज़ ये भी लागू करते हैं लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में। नंबर दूसरा कहते हैं विशिष्टता से सामान्यपरकता, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक। इस संबंध में रिक्स कहते हैं कि विशिष्टता अर्थात किसी संगठन, व्यक्ति या किसी समाज के अध्ययन के बजाय उन तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अध्ययन के बजाय उन तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जो व्यापकता या सामान्य परकता नोमोथेटिक लिए होते हैं। विशिष्टता के स्थान पर सामान्य परकता तभी आ सकती है जबकि हम तुलनात्मक अध्ययनों पर बल प्रदान करें। स्थूल रूप से यह प्रवृत्ति शोध में
सॉरी आगमनात्मक पद्धति का समर्थन करती है। तीसरा जो बात कहते हैं वो है गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल अप्रोच। ये तीन अप्रोच के द्वारा इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन की खंडों में, तीन खंडों में विभाजित करते हैं। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, इसमें है यह प्रवृत्ति लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक पर्यावरण पारिस्थितिकियों को समझने एवं विश्लेषित करने का महत्व रेखांकित करती है। उन्होंने समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा जीव विज्ञान इत्यादि विषयों की कतिपय अवधारणाओं को ग्रहण करके लोक प्रशासन में उसकी व्यवहारिकता सिद्ध की। मुख्यतः आगमनात्मक पद्धति पर आधारित रिक्स के आदर्श प्रारूप विकासशील राष्ट्रों के प्रशासन के अध्ययनों की एक राह दिखाते हैं। ज्ञान के विस्तार एवं सिद्धांत की खोज में जो पद्धतियां जैसे निगमनात्मक एवं आगमनात्मक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। निगमनात्मक पद्धति, इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड, में सामान्य से विशेष की ओर सोचा जाता है। जैसे मनुष्य मरणशील है, अतः राम भी मरणशील है। आगमनात्मक पद्धति, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, में विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। जैसे राम मरणशील है, मोहन मरणशील है, अतः मनुष्य मरणशील है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति आगमनात्मक है। रिक्स के योगदान के क्रम में फेरेल हैडी का कथन है, तुलनात्मक सिद्धांत पर उनके समूचे लेखन के मात्र परिचित हो लेना ही कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तुलनात्मक लोक प्रशासन को वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने का उनका यानी रिक्स के अध्ययनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, यानी कि स्थान है रिक्स। दूसरा हेडिंग, रिक्स का पारिस्थितिकीय उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ रिक्स। इस दृष्टिकोण में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि प्रशासनिक संस्थाएं किस प्रकार समाज, मूल्यों, परंपराओं, परिवर्तनों, अर्थव्यवस्था, बाजार, राजनीतिक दलों तथा वर्गों से प्रभावित होती है। इकोलॉजिकल शब्द ग्रीक भाषा के इकोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घर या रहने का स्थान। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण में आसपास के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। चूंकि लोक प्रशासन मानव व्यवहार से युक्त एक जीवंत संगठन है, अतः प्रशासन एवं उसके पर्यावरण का परस्पर सहसंबंध समझना अत्यावश्यक है। रिक्स ने थाईलैंड और फिलीपींस में अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया कि पर्यावरणीय परिस्थितियां किस प्रकार प्रशासन को प्रभावित करती हैं। J.M. गॉस के अनुसार लोक प्रशासन की परिस्थितिकीय जनता, क्षेत्रफल, लोगों की भौतिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं, विचार तथा व्यक्तिगत एवं आपातकालीन आवश्यकताएं इत्यादि का अध्ययन करती हैं। रिक्स का मानना है कि केवल वही अध्ययन वास्तव में तुलनात्मक हैं जो अनुभव मूलक, सामान्य परक तथा पारिस्थितिकीय प्रकृति के होते हैं। रिक्स की यह दृढ़ मान्यता रही है कि किसी भी देश के लोक प्रशासन की प्रकृति को उस देश की सामाजिक विन्यासों को भली भांति समझे बिना विश्लेषित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका, प्राचीन सियामा, फिलीपींस या थाईलैंड देशों के अध्ययन पर आधारित फ्यूज्ड प्रिज्मैटिक या डिफ्रैक्टेड समाजों, डिफ्रैक्टेड समाजों के आदर्श प्रारूपों की
रचना में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीसरा हेडिंग है रिक्स का रचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑफ रिक्स। प्रत्येक संगठन या इसमें है प्रत्येक संगठन या सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। यह संरचना सकार या प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक दो प्रकार की होती हैं। महाविद्यालय, अस्पताल, स्कूल तथा मंत्रालय सकार संरचनाएं हैं, तो सत्ता, प्राधिकार तथा नियंत्रण इत्यादि विश्लेषणात्मक संरचनाएं हैं। प्रत्येक संरचना किसी न किसी प्रकार्य को पूरा करती है। प्रकार्य तथा संरचना में अंतर संबंध होते हैं, इसलिए प्रशासनिक संरचनाओं को समझने के लिए प्रकार्यात्मक निर्भरता को समझने पर बल दिया जाता है। इस उपागम में यह माना जाता है कि समान प्रकार के संरचनाएं विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में एक सामान्य प्रकार निष्पादन नहीं करती। इस तथ्य को आधार बनाकर रिक्स ने प्रत्येक समाज में 5 प्रकार के प्रकार्य महत्वपूर्ण माने हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांकेतिक, संचार से संबंधित। नंबर 4 हेडिंग है कृषि का औद्योगिक प्रतिमान, एग्रेरिया इंडस्ट्रिया टाइपोलॉजी। रिक्स सर्वप्रथम सन 1956 में कृषि का एग्रेरिया तथा औद्योगिक इंडस्ट्रिया प्रतिमान प्रतिपादित किया था, और रिक्स के अनुसार टाइपोलॉजी निर्मित किया अच्छा प्रतिमान निर्मित किया था। इस प्रतिमान के अनुसार कुछ समाज कृषि आधारित होते हैं तो कुछ समाज उद्योग प्रधान होते हैं। कृषि प्रधान समाज में रिक्स ने चीन को तथा औद्योगिक समाजों की में संयुक्त राज्य अमेरिका को सम्मिलित किया। कृषि का समाज की संरचनाओं में परंपराओं का बाहुल्य, आरोपित तथा मिले जुले मूल्यों से प्रेम बिखरे हुए ढांचों की प्रधानता, सरल तथा स्थिर व्यावसायिक विभिन्नताएं या विशिष्टता, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्करण या स्तर को ब्रैकेट में वर्ग है तथा सीमित सामाजिक तथा एवं क्षेत्रीय गतिशीलता मुख्य विशेषताएं बताई हैं। रिक्स का मानना है कि निश्चित बिंदु पर सभी समाज कृषिका से औद्योगिका के रूप में रूपांतरित होते हैं। इस संबंध में बहुत से विद्वानों ने आपत्ति उठाई कि कोई भी समाज पूर्णतः कृषिका या पूर्णतः औद्योगिका नहीं होता, क्योंकि सभी कृषिका समाज न्यूनाधिक गति से औद्योगिका की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि औद्योगिका समाजों में भी कृषिका समाज के लक्षण अनिवार्य रूप से व्याप्त हैं। कुछ समाज में दोनों के बीच मिश्रित की स्थिति के भी हैं। कुछ औद्योगिक समाज प्रतिमान के विसंगतियों को देखते हुए रिक्स ने एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया जो संपार्श्वीय विवर्तित प्रतिमान कहलाता है। संयोजित संपार्श्वीय विवर्तित प्रतिमान कहलाता है। नंबर 5 हेडिंग है संयोजित संपार्श्वीय विवर्तित प्रतिमान, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टेड मॉडल। संयोजित संपार्श्वीय विवर्तित मॉडल रिक्स द्वारा 1959 में प्रतिपादित किया गया था। रिक्स के अनुसार किसी समाज को बहुकार्यात्मकता की दृष्टि से देखें तो संयोजित फ्यूज्ड समाज वे हैं जहां कार्य विस्तृत यानी डिफ्यूज्ड अर्थात फैले हुए या बिखरे हुए रहते हैं। रिक्स का यह प्रतिमान मूलतः भौतिक शास्त्र के एक सिद्धांत पर आधारित है। कांच के त्रिकोणीय पारदर्शी दर्पण के टुकड़े को प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश जब इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अंदर समाये हुए 7 रंगों में बंट जाता है, इसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं।
इस बटने की क्रिया को डिफ्रैक्टेड कहा जाता है जिसे रिक्स ने बदल सॉरी रिफ्रैक्टेड कहा जाता है जिसे रिक्स ने बदल कर डिफ्रैक्टेड कर दिया। उदाहरण के लिए भारत में संयुक्त परिवार एक संस्था है जो विवाह उत्सव पर उधार देने, बच्चों की देखभाल करने, रोगी की सेवा करने, अनाज पीसने, खेती करने तथा विवाह का आयोजन करने इत्यादि सभी कार्य स्वयं कर लेती हैं। ऐसा संयोजित समाजों में पाया जाता है। इन्होंने क्या किया कि जो कोई भी समाज हो उन समाजों को दो भागों में बांट के पहले इन्होंने देखा कि कुछ समाजों को हम कृषि का समाजों में रखते हैं और कुछ को औद्योगिक समाज में। फिर इन्होंने पाया कि फिर इन्होंने समाज के तीन और कैटेगरी बनाए। पहले को इन्होंने बताया कि कुछ समाज फ्यूज्ड समाज हैं, कुछ को इन्होंने डिफ्रैक्टेड बताया और कुछ को फ्यूज्ड डिफ्रैक्टेड प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा है। तो आगे हम बताते हैं, ये बीच के समाज होते हैं फ्यूज्ड डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये बीच के समाज, ये ना तो पूरी तरह से कृषि का होते हैं और ना ही पूरी तरह से इंडस्ट्रिया होते हैं, ये बीच के सोसाइटी होते हैं। इन तीनों प्रकार के समाजों के प्रमुख लक्षण रिक्स ने इस प्रकार विभाजित किया है। अब आगे ये देखो किस प्रकार से कहते हैं, मैंने शायद जो उसमें सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक है उसमें जो टेबल है वो पूरी टेबल ही मैंने उतार रखी है। संयोजित समपार्श्वीय तथा विवर्तित समाजों की विशेषताएं, पहली टेबल है संयोजित समाज जिसको, फिर दूसरा है समपार्श्वीय और तीसरा है विवर्तित। संयोजित समाज को हम मूलभूत समाज कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक समाज है, ये इसमें किसान अमीर गरीब सब एक ही जैसे होते हैं, एक ही मतलब मिले होते हैं, कोई बता नहीं सकता कि कौन अलग नहीं है, सब अलग अलग काम नहीं करते, मिलजुल के सारे काम कर लेते हैं। समपार्श्वीय समाज में क्या होता है कि इसमें वर्ग विभाजन हो जाता है काफ़ी और इसमें बहुत से मतलब काम बट जाते हैं। और विवर्तित जो समाज होते हैं डिफ्रैक्टेड, इसमें हर काम वास्तव में पूरी तरह से वर्ग विभाजन हो जाता है और सब काम अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें संयोजित समाज के लक्षण जो इसमें दिए हैं वो है, पहला क्षेत्रीयता या केंद्रित विशिष्टतावाद, दूसरा है आरोपित प्राप्त मूल्य, तीसरा है कार्यात्मक विस्तृत बिखरे हुए। और समपार्श्वीय का जो पहचान है वो चयनवाद प्राप्ति यानी आपाधापी, और तीसरा है बहुकार्यात्मकतावाद, और तीसरा में है विवर्तित समाज में सार्वभौमिकवाद उपलब्धि और कार्यात्मक विशिष्टता। अगला इनका जो हेडिंग है बाजार कैंटीन प्रतिमान। समपार्श्वी समाज की आर्थिक उपव्यवस्था को रिक्स ने बाजार कैंटीन की संज्ञा दी है। समपार्श्वी समाजों की आर्थिक उपव्यवस्था को बाजार कैंटीन की संज्ञा दी है। विवर्तित समाज में आर्थिक व्यवस्था मांग और वितरण की बाजारी कारकों पर निर्भर करती है तथा आर्थिक विचार ही बाजार का नियमन करते हैं, जबकि संयोजित समाज में एरेना कारक जैसे धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक विचार आर्थिक लेनदेन के लेनदेन को निर्धारित करते हैं तथा कीमत प्राइस का प्रश्न बहुत कम उठाया जाता है। समपार्श्वीय समाजों में बाजार एवं एरेना दोनों घटक एक साथ प्रभावित होते हैं तथा आर्थिक के साथ साथ अनार्थिक कारक भी सक्रिय रहते हैं जो इन समाजों की आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप कीमत की अनिश्चितता बनी रहती है।
सामान्यतः रिक्स ने बाजार कैंटीन मॉडल में समपार्श्वीय समाजों की अर्थव्यवस्था के निम्नांकित लक्षण बताए हैं। नंबर एक, इन समाजों में कीमतों की अनिश्चितता को के कारण उपयोगी वस्तुएं या सेवाओं की सामान्य कीमत तथा निर्धारण नहीं हो पाता, अतः अव्यवस्था बनी रहती है। कालाबाजारी, जमाखोरी तथा मिलावट को प्रोत्साहन मिलता है एवं महंगाई बढ़ती है। दूसरा है, विदेशी प्रभुत्व तथा आर्थिक साधनों पर नियंत्रण के कारण एक छोटा व्यापारी वर्ग तो लाभ उठाता है, किंतु अधिकांश व्यक्तियों का शोषण होता रहता है। तीसरा है, समाज के अभिजन वर्ग की शक्ति और आधारभूमि धर्म, परिवार और सरकारी पद इत्यादि बनते हैं, न कि उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। चौथा है, समपार्श्वी समाजों के सरकारी कार्मिकों तथा अनेक ग्राहकों के बीच क्रेता विक्रेता के संबंध बन जाते हैं। इन संबंधों में सरकारी कार्मिक जाति, धर्म, रिश्तेदार तथा मित्रता की आड़ लोक भेदभाव करते हैं आड़ में लोग भेदभाव करते हैं कलेक्ट के सदस्यों को संप्रभुता संपन्न व्यक्तियों को सेवाओं कम कीमत पर तथा गरीब के अधिक कीमत पर दिया जाता है। इन्होंने जो कलेक्ट की बात की है, कलेक्ट क्या होता है, ये अपराधी, अधिकारी और जो धनी वर्ग होते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो एक ऐसा संगठन क्रिएट करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ और एक कंपनी में काम करता हूँ। सपोज करिए, मेरे कंपनी का मालिक कुछ अमीर लोगों से संगठन स्थापित कर ले, किए भी हैं, होते भी हैं, सबके ही होते हैं। आप भी अमीर हो जाओगे तो आपके भी हो जाएंगे। तो जैसे ही इनका संबंध, मान लो अमीर हो गए, तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, इस तरह से बातें चलेगी। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों से भी संबंध बना लिए। अब उन अधिकारी, राजनीतिक, अपराधी गण से भी अगर संगठन बना लिए, तो ये जो एक संगठन तैयार होता है, इसी को ही इन्होंने, रिक्स ने कलेक्ट कहा है। ये जब कलेक्ट बन जाता है तो क्या होता है कि जो बाज़ार की कीमतों के वस्तुएं होती हैं, वो इन लोगों को सस्ती कीमतों पे प्रोवाइड हो जाती हैं, जो कि एक गरीब आदमी को उस कीमत पे प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। उसको उसी कीमत पे देना पड़ता है जिस कीमत पे बाज़ार की वस्तुएं बाज़ार में बिक रही होती हैं। लेकिन जब कलेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, इस कलेक्ट फॉर्मेशन के सदस्यों को वही चीज़ें आप सस्ते दामों में उन्हें प्रोवाइड कराते हैं और करा भी देते हैं। मान लो कोई पुलिस है और वो कहीं ऐसे जगह पे तैनात है कि वहाँ से आपके, मान लो आप व्यापारी हैं और वहाँ से आपके माल आते जाते रहते हैं, और आपका कलेक्ट फॉर्मेशन, आपने उनसे संगठन यानी साठगांठ कर लिया, तो वो आपके माल को वैसे ही बिना किसी जांच पड़ताल के आने जाने, चाहे आप भी कुछ ले जाओ। यही होता है कलेक्ट फॉर्मेशन, एक भ्रष्टाचार का रूप है। आगे कहते हैं, वस्तु समपार्श्वीय समाजों की अर्थव्यवस्था, बाजार कैंटीन बीमार अर्थव्यवस्था होती है। वस्तुतः समपार्श्वीय समाजों की अर्थव्यवस्था बाजार कैंटीन मॉडल वाली बीमार अर्थव्यवस्था होती है। यह सभी अतिराव का एक उदाहरण है। अगला हेडिंग इनका साला मॉडल। एक्चुअल में सही बताऊं तो मैं जो ये नोट बनाया हूँ, इससे मेरा ही खुद कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, और मुझे लग रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पुस्तक से मुझे बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएंगी।
क्योंकि इसमें इसमें जो है बहुत विस्तृत दिया हुआ, और इतना विस्तृत मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा। साला मॉडल, अगला हेडिंग है साला मॉडल। समपार्श्वी समाजों की प्रशासनिक उपव्यवस्था को रिक्स ने साला मॉडल के रूप में वर्णित किया है। विवर्तित समाजों में इनके पूर्वकों को ब्यूरो या ऑफिस तथा संयोजित चेंबर नाम दिया गया है। साला एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकारी कार्यालय, धार्मिक अधिवेशन या कमरा इत्यादि। रिक्स ने इसे साला शब्द थाईलैंड से लिया है, शब्द को थाईलैंड से लिया है। थाईलैंड में प्रत्येक मंदिर वाट WAT के पास एक समुदाय भवन होता है जो जन साधारण की सभा, समारोह, व्यापार, मनोरंजन तथा पूजा पाठ के में प्रयुक्त होता है। इसे साला कहा जाता है। साला प्रतिमान में परंपरागत संबंधों का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु प्रशासनिक तार्किकता और कार्यकुशलता इन्हीं कहीं दिखाई नहीं देती। अतिराव का एक उदाहरण साला है। अतिराव का उदाहरण एक साला है जो समपार्श्वी समाज की एक विशिष्टता है। साला की विशेषताएं निम्न है। नंबर एक, साला प्रतिमान अर्थात समपार्श्वी समाजों में भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार पाया जाता है। दूसरा, समाज जाति, धर्म, वंश, क्षेत्र तथा संबंधों इत्यादि के आधार पर प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है। तीसरा, सरकारी योजनाओं, नीतियों, कार्य नीतियों तथा सुविधाओं का कुछ ही व्यक्ति लाभ उठा पाते हैं। बहुसंप्रदायवाद बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करता है। इन समाजों में आधिकारिक तौर पर अनुमति प्राप्त सत्ता या कानूनी सत्ता, जिसको डिज्योर कहते हैं, कानूनी सत्ता डिज्योर, वास्तविक सत्ता डिफेक्टो। अच्छा, इन्होंने दो और शब्द दिया है, कानूनी सत्ता को डिज्योर और वास्तविक सत्ता को डिफेक्टो कहा है, के सामने झुक जाती है। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि ये जो साला क्रिएट होता है, इसके कारण जो साला मॉडल इन्होंने बताया, इसके कारण बता रहे हैं कि जो समाजों में आधिकारिक तौर पर अनुमति प्राप्त सत्ता है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो कानून की सत्ता डिज्योर, वास्तविक सत्ता के सामने झुक जाती है। इन समाजों में प्रभु जाति, सेठ, साहूकार, अफसर और नेता, राजनेता वास्तविक सत्ता का रूप धारण कर लेते हैं। यही आगे चल के कलेक्ट बन जाता है। और अगला नंबर है, संवैधानिक दृष्टि से राजनीतिज्ञों की सर्वोच्चता होते हुए भी नौकरशाही की प्रशासनिक व्यवस्था उन पर हावी रहती है। यही कारण है कि लोक नीति तथा जन कल्याण कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। अकुशल एवं भ्रष्ट अधिकारी भी राजनीतिज्ञों से पुरस्कार पा सकते हैं, जबकि योग्य एवं कुशल अधिकारी को बार बार प्रताड़ित किया जा सकता है। ये होती हैं साला मॉडल की कुछ विशेषताएं। ऐसे मॉडल का क्या करना जब ईमानदार लोग रह ही नहीं पाएंगे। कलेक्ट, अगला हेडिंग है कलेक्ट। सामान्यतः मानव समाज में परिवार, प्राथमिक समूह तथा मित्र मंडली एवं जन पहचान इत्यादि द्वितीयक का समूह होते हैं। परिवार पर महत्व प्राय अधिक भी रहता है, किंतु रिक्स के अनुसार समपार्श्वी समाजों में ऐसे समूह बन जाते हैं जो संगठन में संस्थात्मक तरीकों का प्रयोग करते हैं, किंतु उनमें पारस्परिक ढंग से बिखरे हुए संकीर्ण एवं सांप्रदायिक ध्येय बने रहते हैं। रिक्स इनको कलेक्ट्स कहते हैं, जबकि संयोजित समाजों में सेक्ट्स तथा विवर्तित समाजों में क्लब की उपस्थिति मानी जाती है। भारत में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, सरकारी कार्यालयों में बने हुए जातीय गुट, भाषाई वर्ग,
तथा अनौपचारिक संघ क्लेक्ट्स कहा है। क्लेक्ट्स कहा है। क्लेक्ट्स प्रायः प्रशासनिक समूहों तथा प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क रखते हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकरण भी क्लेक्ट्स का रूप धारण कर लेते हैं। रिक्स के अनुसार ये क्लेक्ट्स सर्वश्रेष्ठ समपार्श्वीय समूह प्रिज्मेटिव ग्रुप्स पर एक्सीलेंस है जो संकीर्ण हितों के लिए कार्य करते हैं, जबकि औपचारिक तौर पर उपलब्ध कार्यकुशलता और सार्वभौमिकता की प्रशंसा करते रहते हैं। रिक्स के अनुसार समपार्श्वीय समाजों में बहुमानकवाद पॉलीनॉर्मेटिविज्म भी पाया जाता है तथा नए आधुनिक विचार एवं परंपरागत व्यवहार प्रणालियां एक साथ कार्य करती हैं। बहुमानकवाद तथा मानक रहितता से शाला पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि ना तो प्रशासनिक अधिकारी देसी परिस्थितियों में ढलना चाहते हैं और ना ही साहब का विदेशी स्वरूप जनता के गले उतरता है। आठवां हेडिंग है रिक्स का नया एवं संशोधित प्रतिमान। 1973 में प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिवाइज्ड नामक नया संशोध कार्य प्रस्तुत किया। रिक्स ने विवर्तित तथा संपार्श्वीय समाजों के प्रतिमान को एकीकरण के आधार पर विभाजित भी किया। वह इयो डिफ्रैक्टेड पुरातन विवर्तिता तथा संयुक्त विवर्तिता ऑर्थो डिफ्रैक्टेड तथा नव विवर्तिता नियो डिफ्रैक्टेड समाजों में श्रेणीबद्ध किया। रिक्स का नया प्रतिमान निम्न बिंदुओं को रेखांकित किया जा सकता है नंबर एक है समाजों का वर्गीकरण केवल विभेदीकरण या विशेषीकरण के आधार पर नहीं किया जा सकता। नंबर दो रिक्स ने नए एवं संशोधित प्रतिमान को द्विआयामी टू डायमेंशंस बताते हुए इनके विभेदीकरण के साथ एकीकरण को भी जोड़ दिया है। संयोजित समाज नंबर तीसरा है संयोजित समाज अविभेदीकृत तथा एकीकरण एवं कुएकीकरण के मध्य की स्थिति में होते हैं। विकास की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये इम्पोर्टेंट है कुछ क्योंकि जब भी हम कभी सोशियोलॉजी में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी निबंध में विकास को परिभाषित करना होगा तो रिक्स के कुछ इनके परिभाषाओं को अगर कोट करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। उच्च से उच्चतर तथा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर स्थिति की ओर अग्रसर होना ही विकास कहलाता है। उच्च से उच्चतर तथा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर स्थिति की ओर अग्रसर होना विकास कहलाता है जो मानव जीवन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए किया जाता है। रिक्स कहते हैं कि विकास किसी व्यवस्था की उस क्षमता में वृद्धि का द्योतक है जो उसके भौतिक मानवीय तथा सांस्कृतिक पर्यावरण को इच्छा अनुसार आकार देने में सहायक हो। दूसरे शब्दों में तकनीकी तथा गैर तकनीकी दृष्टि से जब कोई समाज संयोजित स्थिति से विवर्तित समाजों की स्थिति को ग्रहण करने को अग्रसर होता है तो वह विकास मार्ग कहलाता है। यह वह प्रक्रिया है जो विवर्तन के माध्यम से सामाजिक व्यवस्थाओं की स्वायत्तता या स्वविवेक में वृद्धि करती है। उनके अनुसार प्रशासनिक संरचना तथा प्रशासनिक व्यवहार मिलकर प्रशासनिक विकास को सुनिश्चित करते हैं तथा यह प्रशासनिक विकास पर समाज अपने निर्णय द्वारा गहन प्रभाव को निर्धारित करता है। विकास प्रशासन जो कि मुख्यतः परियोजना प्रशासन का पर्याय माना जाता है में
4P प्रोजेक्ट पॉलिसी प्रोग्राम एंड प्लान पर बल रहता है। 9 राज्य राज्य में चूंकि राजनीतिक नव राज्य राज्य में चूंकि राजनीतिक प्रशासनिक संस्थाएं अपरिपक्व होती हैं, अतः विकास प्रशासन पर 4P से संबंधित बहुत सी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रशासनिक विकास एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को सहभागी मानते हुए रिक्स ने सुझाया कि विकास प्रशासन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र अपनी कार्यप्रणाली को विकासोन्मुख करे। यद्यपि विकासशील देशों में यह सरल कार्य नहीं है, प्रशासनिक विकास को परिभाषित करते हुए रिक्स कहते हैं कि प्रशासनिक विकास निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करने की बढ़ती हुई प्रभावशीलता का प्रतिमान है। 10वां हेडिंग है प्रशासनिक संस्कृति एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। 1 हेडिंग है इसमें सौंदर्यपरक प्रशासनिक संस्कृति, इसको कहते हैं एस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। जिस प्रकार सामाजिक स्तर पर संगीत साहित्य स्थापत्य या चित्रकला आदि कला कौशल का बोध कराते हैं, उसी प्रकार राज्य और प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य जनहितकारी आकर्षक एवं उपलब्धिपरक कार्य सौंदर्यपरक प्रशासनिक संस्कृति को इंगित करते हैं। शिक्षित प्रशासनिक संस्कृति हेडिंग है, इसमें है प्रशासन में कुछ कार्मिकों को उनके कार्य की विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशासनिक संस्कृति को बताता है। नौकरशाही नुमा प्रशासनिक संस्कृति। 4 है स्व संरक्षणकारी प्रशासनिक संस्कृति और 5वां है आदर्शात्मक प्रशासनिक संस्कृति। बस इतना ही, धन्यवाद।